आरएसएस की सारी आइडियोलॉजी और जिसनों अंग्रेजी च मोडस ऑपरेंडी कहने ने कम काज का सारा तौर तरीका उन्हां दी सारी व्योंतबंदी वो बिल्कुल नाजिया की आइडियोलॉजी तो है ही आरएसएस की नाजिया चो पर तौर तरीके भी वो बिल्कुल उही अडोप्ट करते हैं। सब तो पावरफुल वैपन जिहड़ा नाजिया का सी और आरएसएस ने हिंदूतविया ने उन्हों मल्टी टाइम होर पावरफुल बनाया वो है मीडिया। तो बीजेपी का जाहिर है कि भी सारी उन्होंने गाइडेंस आरएसएस तो सी। वाजपेयी ने आरएसएस चीफ नूं सद्या उन्होंने कहा जी तुसी दसो भी तुहानूं किहड़ियां किहड़ियां कैबिनेट पोस्ट चाहिए, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और तीसरी इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। हुण इह जिहनूं सूचना ते प्रसारण मंत्रालय कहिंदे ने उह उहदे ते सुषमा स्वराज कि इन्हां 20 सालां च चार चफेरे हिंदू माइथोलॉजी किवें इतिहास बना के प्रेजेंट कीती गई ये उस पीरियड का सी। उन्होंने पता सी कि लोगों के किवें दिमाग धोते जाते हैं मोदी पीरियड तो पहुँचने तो पहला ही जिहड़ा खास तौर पर मनमोहन सिंह की मिनिस्ट्री के वेड़े जदों सोशल मीडिया वाला पार्ट निकलता है तो उस सोशल मीडिया नूं किवें काबू किया इन्हां ने, किवें इन्हां दी हज़ारां दी गिणती च आई टी सैक्टर के बंदे रिक्रूट किए, किवें जाली आई डीज, किवें फ्लड करना, किवें हैशटैग बनाउणा चलाउणा और इवेंचुअली जदों असीं फेसबुक जां इंस्टाग्राम देखदे ओह तां उन्हां च उन्हां दी डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट अडानी अंबानी दी आ गई। व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी सरकार मुखधारा मीडिया वांग सोशल मीडिया ते भी पूरी तरह हावी हो चुकी है, हुण सिर्फ ट्विटर दे प्लेटफॉर्म नूं काबू करना बाकी है। सो इसलिए अड अड जड़े बहाने ने ओह लब्भे जा रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं, नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ वी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहवांगे कि तुसीं सानूं इसे तरह ही जुड़े रहना, देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। चीरा साहब की कहना चाहोगे? देखो आरएसएस दी सारी आइडियोलॉजी और जिसनों अंग्रेजी च मोडस ऑपरेंडी कहने ने कम काज दा सारा तौर तरीका उन्हां दी सारी व्योंतबंदी वो बिल्कुल नाजियां दी आइडियोलॉजी तो है ही आरएसएस दी नाजियां चों पर तौर तरीके भी वो बिल्कुल उही अडोप्ट करते हैं। और जिवें असीं अगे भी जिक्र कीता सी उदे च सब तो पावरफुल वैपन जिहड़ा नाजिया का सी और आरएसएस ने हिंदूतविया ने उन्हों मल्टी टाइम होर पावरफुल बनाया वो है मीडिया। उस जमाने च नाजिया दे तां सिर्फ प्रिंट मीडिया सी जां रेडियो सिग्नल वेव्स तां गल पहुंची होएगी, लेकिन हुण जिथे एक पासे उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया 1000 तो ज़्यादा टीवी और दूजे वो सारे काबू किए हुए ने, प्रिंट मीडिया तो पहले दौर वेले ही 2014 वेले और जे इस गल का ध्यान रहे मैं अक्सर इस नूं कोट करदा कि जदों वाजपेयी की पहली सरकार बनी उदों उहदे कोल बीजेपी कोई मेजोरिटी नहीं सी, मेन ज़्यादा सीटा सी और उहदे च मिलवीं सरकार सी रीजनल पार्टीज नाल सी। तो बीजेपी का जाहिर है कि भी सारी उन्हां दी गाइडेंस आरएसएस तो सी। वाजपेयी ने आरएसएस चीफ नूं सद्या उन्होंने कहा जी तुसी दसो भी तुहानूं किहड़ियां किहड़ियां कैबिनेट पोस्ट चाहीदियां। हुण साडे वर्गे जिन्हां नूं कोई बहुता बारीकी का एहसास ना होए वो तो कहणगे जी डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर। उन्होंने चार महकमे मंगे, उन्होंने कहा जी तुसी एक्सटर्नल अफेयर भी जिन्हों मर्जी दे दिओ, पहला फाइनैंस, दूसरी होम। फाइनैंस यशवंत सिन्हा सी कि पैसे का कंट्रोल, बजटिंग कितों आनी है पैसा, होम मिनिस्ट्री क्योंकि जे उन्होंने इंटैलीजेंस ब्यूरो तो लैके राह तो लैके कर्नल परोहत और दूजा सारा अमला फैला अपना विच भरया तो जाहिर है अडवाणी और उस अडवाणी के पीरियड कश्मीर वादी के ज़िला अनंतनाग जदों क्लिंटन 20 मार्च 2000 नूं जांदा 35 सिखां दा मारे जाणा जिहड़ा ये होम मिनिस्ट्री कर सकती है क्योंकि डायरैक्टली उन्होंने होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और तीसरी इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। हुण इह जिहनूं सूचना ते प्रसारण मंत्रालय कहिंदे ने उह उहदे ते सुषमा स्वराज क्योंकि इह है जिहनूं मीडिया दे राहीं उन्होंने करना। और तुसीं जिन्ने अज्ज इह
देखोगे टीवी ते रामायण महाभारत तो हुण पुरानियां चीज़ां हो गई हैं, किन्ने हर देवी दे उत्ते हर देवते दे उत्ते हर एक दे उत्ते सीरियल बने बनाए और किवें फिर उहदे ते वर्त पॉपुलर किए उन्हां दे मंदिर बनाए दूजे। और जे तुसीं इह 1990 तों देखो 1998 दे पीरियड च वाजपाई दे राज दी गल है कि इन्हां 20 सालां च चार चफेरे हिंदू माइथोलॉजी किवें इतिहास बना के प्रेजेंट की गई, ये उस पीरियड का सी। उन्होंने पता सी कि लोगों के किवें दिमाग धोते जाते हैं, किवें उन्हां दी प्रोग्रामिंग की जाती है। इसे दौर च गणेश ने दुध भी पीता, दुनिया भर च हो गया जी गणेश नूं दुध, लंबिया लाइना लगिया हुई, गणेश दुध पी रहा, देवियां कमाल करन लग गई, थाओं थाई मूर्तियां धरती चो निकलन लग गई, राम मंदिर च भी निकली, वैसे ताजमहल के नेड़े भी कढ लई, वह भी उन्होंने कदों क्लेम करना है कि भी ये अमित शाह की हवेली सी, उहदे वड्डियां दी, इहदे लई भी तैयारी कर रहे होणगे। हुण इस सारे दे चलदे आ, लेकिन एक जिहड़ा अपवाद होया इस सारे जदों इन्हां ने मोदी पीरियड तो पहुँचन तो पहला ही जिहड़ा खास तौर पर मनमोहन सिंह की मिनिस्ट्री के वेले जदों सोशल मीडिया वाला पार्ट निकलदा है तो उस सोशल मीडिया नूं किवें काबू किया इन्हां ने, किवें इन्हां दी हज़ारां दी गिणती च आई टी सैक्टर दे बंदे रिक्रूट कीते, किवें जाली आई डीज, किवें फ्लड करना, किवें हैशटैग बनाउणा चलाउणा, और इवेंचुअली जदों असी फेसबुक जां इंस्टाग्राम देखदे उह तां उहनां च उहनां दी डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट अडानी अंबानी दी आ गई, बाकी प्लेटफॉर्म्स इन्हां ने फिर किवें लॉ बनाए, साइबर लॉ किवें घरां च छापे, किवें योगी दी फोटो ला के की लिख दिता उहनूं चक लिया, सोशल साइबर पुलिस बना दिती, पूरा डिपार्टमेंट स्टेटा दे विच जिहड़े ने साइबर दे उत्ते अख रखण वाले लोग और उन्होंने चुकना शुरू कर दिता है इको एक। और इस सारे चो बहुत सारे उन्होंने ऑलरेडी मैनेज कर लए ने, ट्विटर जिहड़ा थोड़ा बहुत अपने अखीरले सावां ते है उस लड़ाई दे विच, हालां इन्हां ने जिहड़ा हुण 2 महीने पहला नवा लॉ बनाया जिहदे थले सिक्योरिटी दे नां थले पूरा कंट्रोल जी प्राइवेट दिओ उन्हां दी सारी जानकारी। ट्विटर जे अड़ रहा है तो किवें ट्विटर के खिलाफ एक पूरी मुहिम विढ़ी हुई है, पहला असी देखिया जून के पिछले हफ्ते जदों आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद एक्यूजिज ट्विटर ऑफ डिनाइंग हिम एक्सेस टू हिज अकाउंट, आईटी रूल्स रेंगल, दिस इज द लेटेस्ट इन ए प्रोलोंग टग ऑफ वॉर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ओवर कंप्लायंस इन न्यू आईटी रूल्स। इन्हें रवि शंकर प्रसाद जो आई टी मिनिस्ट्री हैड करता है उन्हें कहा जी ट्विटर ने मेरा अकाउंट ही ब्लॉक करता, मेरी एक्सेस ब्लॉक, हालांकि होया जी 2 घंटे बाद, पर यह एक एक्शन करने के लिए माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हुण जी लेटेस्ट करके पिछली जो 24 घंटे जी खबर है, पहला तो फिर एक खबर आई कि ट्विटर क्वेश्चनड ऑन ब्लॉकिंग अकाउंट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गूगल फेसबुक अपीयर बिफोर आई टी कमेटी, इन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी दसो कि भी आई किवें कीता, द स्टैंडिंग कमेटी ऑन इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अज की खबर है, द स्टैंडिंग कमेटी ऑन इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज सॉट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सोशल मीडिया जाइंट ट्विटर वाई अकाउंट्स ऑफ आई टी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद, पहला खबर सी कि जो अकाउंट ब्लॉक किया, फिर पूछा भी क्यों रवि शंकर प्रसाद एंड कमेटी चेयरपर्सन शशि थरूर वर लॉकड, हूँ क्योंकि शशि थरूर ऑपोजिशन तो है तो ये दसण के लिए कि जी असी इनू कोई RSS का नाल नहीं जोड़ रहे, देखो कांग्रेस वाले शशि थरूर का भी ब्लॉक किया, और ये उन्होंने ट्यूजडे मीटिंग की है गूगल और फेसबुक नाल जिहड़े उन्होंने सामने अपीयर होए, उन्होंने कहा कि उनका सेफ गार्डिंग सिटीजनज राइट्स कि जी तुसी किवें अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, ये तो सिटीजनज राइट नू सेफ गार्ड करना जरूरी है, एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज ऑफ सोशल ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनकलूडिंग स्पैशल एम्फेसिस ऑन विमेन सिक्योरिटी इन द डिजिटल, हूँ इन्हों विमेन सिक्योरिटी का फिगर पै गया, और लखा तुहाडियां डेड बॉडीज गंगा के कंडे दूजे कोविड च मर गई हैं, सब तो ज़्यादा रेप कैपिटल तुहाडी दिल्ली बनी हुई है, सब तो ज़्यादा गंद तुहाडे बंदे बैठे जड़े ने वो सारे दे उत्ते खिलारदे ने। हुण ये सारी खबर के नाल मैं समझदा भी इन्हां ने हुण फाइनल ट्विटर का उहदी जिहड़ी घुग्गी दी धौण फाइनली आवाज़ बंद करन दे लई एक खबर, ट्विटर वैबसाइट डिस्प्लेज डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख शोन एज सैपरेट कंट्री,
उन्होंने कहा कि भी अर्लीयर द माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हैड शोन ले एज पार्ट ऑफ चाइना। उन्होंने कहा जी आ देखो ट्विटर की पहला उन्होंने ले नू चीन का हिस्सा दसिया सी, हुण उन्होंने जड़ा अपना ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का उन्होंने नवे आई टी जड़े रूल ने लागू कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हुण उन्होंने छेड़छाड़ की है भारत के नक्शे नाल और उन्होंने अपने वैबसाइट पर गलत नक्शा दिखाते हैं जम्मू कश्मीर ते लद्दाख नू एक सेपरेट कंट्री वजो दिखाया। हालांकि ट्विटर ने अपने ऑथोराइज्ड अकाउंट तो इस नक्शे नू हटा लिया और उन्होंने दूजी बार उन्होंने कहा जी सैकंड टाइम होया कि उन्होंने भारत का नक्शा गलत दिखाया, पहला उन्होंने लेह नू चीन का हिस्सा दिखाया सी। सो जाहिर है कि उन्होंने उन्होंने पूरा ग्रिल करन लई आज जदों कमेटी सामने पेश होए ने यह सारा माहौल तैयार किया। आने वाले दिन कोई हैरानी नहीं होएगी कि ट्विटर भी फेसबुक वांग डंडौत प्रणाम कर रहा हो हाथ जोड़ के खलोता हो क्योंकि इस गल का ध्यान रहे अल्टीमेटली ये सारे ही कारपोरेट घराने जड़े ने ये पैसा इन्हों का इष्ट है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ये वो ये एवं उत्ते उन्होंने नकाब चाढ़े हुए ने और इवेंचुअली दे विल आलसो फॉल इन लाइन। और क्लोजिंग तो पहला असी जिवें रोजाना कबीर साहब की विचार करते हैं बाणी की गौड़ी राग दा उन्हां दा शब्द है राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। हुण बहुत वार मैं भी जदों सब परिवार चढ़ाया बेड़े तो हुंदा सी कि सने सारी फैमिली दे पर अज मैं जदों इहदी एक्सप्लेनेशन बहुत सारियां थावां ते देख रहा सी कि ये इंडिविजुअल दी एक वजूद दी रब दे अगे अरजोई है अरदास है दुआ है कि हे दीन दयाल दीन गरीब नू कहंदे ने दयाल दीना ते दया करन वाला कि तेरे ते मेरी आमन है तेरे ते मेरा भरोसा है तेरे ते मेरा सिदक है तेरे ते मेरा विश्वास है ते मैं अपना सारा ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया दा परिवार मतलब यह है कि अपना वजूद जेड़ा कि मैनू माड़े रस्ते ते मेरे कदम तुरदे ने माड़िया चीज़ा मेरिया अखा देख दिया ने माड़िया गल्ला मेरे कन सुनते ने और मैं यो सारिया नू अपने सारे वजूद नू अपने सारी इस फिजिकल एंटिटी दे नाल तेरे हवाले कर दिता है तेरी याद दे बेड़े दे उत्ते चाढ़ दिता है। और इहदी शुरुआत है जदों तुसीं उदाहरण दिंदे हो अपने बच्चियां बच्चियां नू कहंदे हो देखो साहबजादियां दी किन्नी कुरबानी सी उन्हां वल देखो। हुण जाहिर है जदों फकीर बंदगी दी दुनिया दी गल करदा है ते दो भगत जिहड़े उस खिते दे विच जिन्हां दी प्रोमिनेंस उन्हां तों वी पहलां रही कबीर साहब तों जाहिर है सदियां तों है एक ध्रुव भगत ते एक प्रहलाद। प्रहलाद बारे तो असीं देखते हैं कि उहदा प्यो हरनाकश जिहड़ा जिहनूं हिरण्यकशपु उहदा नां कहा जांदा है वह इन्ना हंकारिया होया सी जिवें मोदी वांग के रब का खौफ नहीं सी अपने आप नूं ही रब समझदा सी और उहदे घर ही उहदा मुंडा जम्मिया प्रहलाद जिन्हें रब का सहारा तकिया और उस रब आप बनया जिहड़ा प्यो है अपने पुत्र का ही वैरी बनया उन्हूं डिस्ट्रॉय करन लई उन्हें हर हरबा वरत्या लेकिन इन द एंड उहदा एंड होया और प्रहलाद जिहड़ा वह सुरखरू रहा जिस तों असीं होया कि भाई हर जुग जुग भगत उपाय पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया कि भाई अल्टीमेटली जिहड़े रब दे बंदे ने उन्होंने रब प्रोटेक्ट करदा। इसे तरह ध्रुव की कहानी उसकी स्टैप मदर जिहड़ी उहदे नाल डिफरेंशिएट करती है और वो अपनी माँ नूं कहिंदा है कि भाई ये मेरे नाल उहने कहा भी ये रब की रजा च ही है उन्हें कहा अच्छा तो वह बंदगी करन दे लई तुर जांदा है और किस कदर वह बंदगी करदा है कि बहुत वार साडे फोकलोर च एक तारे का ना ही ध्रुव तारा रख्या होया है कि भाई वो ये समझाण लई है कि जिवें तारे हमेशा रोशनी दिंदे ने जिहड़े रब दे रस्ते तुरे होए ने वह सारिआं दे लई रोशनी हुंदे ने। सो इन्हां दोनों भगतां का जिक्र उन्होंने अपने आप नूं कहा कि राम जपो जी ऐसे ऐसे रब नूं इवें याद करो जिवें ध्रुव ते प्रहलाद उन्होंने अपना आपा गवा के रब दे विच आपा रख के रब नू याद किया कि हे वाहिगुरु मैं अपना आपा सारा तेरे हवाले कर दिता है जां ते सुभावै तो हुक्म मनावै इस बेड़े को पार लंघावै।
कि जे मैं हुक्मी बंदा बनना है रब का बंदा बनना है ये भी रब ने ही रब की रहमत नाल ही संभव होएगा मेरा कोई एफर्ट नहीं है हुक्म नू मनाना भी उदी रहमत नाल है ते जे अखीरले साह तक उस याद नू मैं पुगा सकां इस बेड़े को पार लंघावे ये भी उदी रहमत नाल ही संभव होएगा गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी के गुरु की रहमत दे नाल जे मैनू ऐसी अकल मिल जाए ऐसी बुद्धि मिल जाए गुर प्रसाद ऐस चूक गई तो मैं उस रब दे राह दे उत्ते तुर पवां मैनू अकल उस पासे तोड़ दे फिर आन जान दा जम्मन मरण दा गेड़ खत्म हो जाएगा रब दा हजूर रब दे हजूर रब दी दरगाह च निवास मिलेगा कहो कबीर पज सारंग पाणी उरवार पार सब एको दानी हुण पान कहिंदे ने हथ नू सारंग जिहदे हथ सारी कायनात है सृष्टि है रब दा एक नां है सारंग पाणी कि कबीर साहब कहिंदे ने कि हे मेरे मन उस रब नू जिहदे हथ दे विच सारी दुनिया सारी कायनात है उस नू भज उस दी दा भजन कर बंदगी कर उरवार पार सब एको दानी वह फिर जीवन का यह किनारा है जां परला किनारा है वो सब दे विच वो रब ही समाया होया वो तेरा जिहड़ा वो एक राखा बन के उर तनू पार भी ले जाएगा और उरार भी तेरी राखी करेगा उही को दानी उही एक सियाणा उही सारी कायनात का मालक उही सारंग पाणी जिहड़ा वो तेरा सहारा और दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुम अध्याय मिशू तो अच्छा विचार सारे दर्शकों ने साझा किया स्वास्थ्य अपने व्यूअर्स को लेने इजाजत व्यूअर्स साडे प्रोग्राम का समय इतने समाप्त होंगे तुम अपना राय सुझाव सू भेजना भुलना साढ़े इस पते SOS@TV84.TV से असं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा थोड़े रूबरू होवोंगे तद तक लिए मैनू तो अपना सुना गया दो देखते रहो TV84 बुला दो फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह रब रखा।